हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं शास्त्रानुसार ये नौ काम करने से रहती है घर में खुशहाली। तो कौन से हैं नौ काम जिसको करने से घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है? तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कई ऐसे काम बताए गए हैं जिनका पालन यदि किसी परिवार में किया जाए तो परिवार पीढ़ियों तक खुशहाल बना रहता है। तो आइए जानते हैं शास्त्रों में बताए गए नौ ऐसे ही काम। पहला होता है कुल देवता पूजन और श्राद्ध। जिस कुल के पित और कुल देवता उस कुल के लोगों से संतुष्ट रहते हैं, उनकी सात पीढ़ियां खुशहाल रहती हैं। हिंदू धर्म में कुल देवी का अर्थ है कुल की देवी। मान्यता के अनुसार हर कुल की एक आराध्य देवी होती है जिनकी आराधना पूरे परिवार द्वारा कुछ विशेष तिथियों पर की जाती है। वहीं पृत तर्पण और श्राद्ध से संतुष्ट होते हैं। पुण्यतिथि के अनुसार पृत का श्राद्ध व तर्पण करने से पूरे परिवार को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और दूसरा है जूठा व गंदगी से रखे गए घर को रखें दूर। जिस घर में किचन में खाना बिना चखे भगवान को अर्पित किया जाता है, उस घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि घर पर हमेशा लक्ष्मी मेहरबान रहें, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किचन में जूठन न रखें व खाना भगवान को अर्पित करने के बाद ही जूठा करें। साथ ही घर में किसी तरह की गंदगी, जाले आदि न रहें, इसका खास ख्याल रखें। तीसरी चीज है इन पांच को खाना खिलाएं। खाना बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए निकालें, मछली को आटा खिलाएं, कुत्ते को रोटी दें, पक्षियों को दाना डालें और चींटियों को चीनी व आटा खिलाएं। जब भी मौका मिले इन पांच में से एक को जरूर भोजन करवाएं। चौथी है अन्नदान। दान धर्म पालन के लिए अहम माना गया है। खास तौर पे भूखों को अनाज का दान धार्मिक नजरिए से बहुत पुण्यदायी होता है। संकेत यह है कि सक्षम होने पर ब्राह्मण गरीबों को भोजन या अन्न दान से मिले पुण्य अदृश्य दोषों का नाश कर परिवार को संकट से बचाते हैं। दान करने से सिर्फ एक पीढ़ी का नहीं बल्कि सात पीढ़ियों का कल्याण होता है। वेदों और ग्रंथों का अध्ययन पांचवी चीज है कि हमें वेदों और ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। सभी को धर्म ग्रंथों में छुपे ज्ञान और विद्या से प्रकृति और इंसान के रिश्तों को समझना चाहिए। व्यवहारिक रूप से परिवार के सभी सदस्य धर्म कर्म के साथ ही उच्च व्यवहारिक शिक्षा को भी प्राप्त करें। और छठी चीज है तप, यानी आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए तप मन शरीर और विचारों से कठिन साधना करें। तप का अच्छे परिवार के लिए व्यवहारिक तौर पर मतलब यही है कि परिवार के सदस्य सुख और शांत के लिए कड़ी मेहनत, परिश्रम और पुरुषार्थ करें। सातवां है पवित्र विवाह। विवाह संस्कार को शास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। यह 16 संस्कारों में से पुरुषार्थ प्राप्ति का सबसे अहम संस्कार है। व्यवहारिक अर्थ में गुण विचारों व संस्कारों में बराबरी वाले सम्मानीय या प्रतिष्ठित परिवार में परंपराओं के अनुरूप विवाह संबंध दो कुटुंब को सुख देता है। उचित विवाह होने पर स्वस्थ और संस्कारी संतान होती है जो आगे चलकर कुल का नाम रोशन करती है। और आठवीं चीज है इंद्रिय संयम। काम इंद्रिया और ज्ञान इंद्रियों पर संयम रखना, जिसका मतलब है परिवार के सभी सदस्य शौक मौज में इतना न डूब जाएं कि कर्तव्य और जिम्मेदारियों को भूलने से परिवार दुख और कष्टों से घिर जाए। और सबसे आखिरी लास्ट है नौवां सदाचार, अच्छा विचार और व्यवहार। संदेश है कि परिवार के सदस्य संस्कार और जीवन मूल्यों से जुड़े रहें, अपने बड़ों का सम्मान करें, रोज सुबह उनका आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें ताकि सभी का स्वभाव, चरित्र और व्यक्तित्व श्रेष्ठ बने। स्त्रियों का सम्मान करें और पर स्त्री पर बुरी निगाह न रखें। ऐसा करने से घर में हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, लास्ट में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय श्री राम। सदैव प्रसन्न रहिए। जो पर्याप्त है पर्याप्त है। राधे राधे।